हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरे को एक बार जल्दी बता दो भाई, आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ एग्ज़ाम महक ठीक ठाक ही गया, मतलब नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, कुड हैव बीन बेटर। तो यस, ऐसा है भाई। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? मिलके अच्छा लगा। हेलो लीजा, कैसे हो? चलो ठीक है, बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस, मार्च पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज पार्ट टू। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यही सेम हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री PDFs मिल जाएंगी, इन क्लासेस की शेड्यूल मिल जाएगा और द हिंदू के डेली आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सिर्फ वही सारे। ठीक है, हेलो निंजा, कैसे हो भाई? थैंक यू मैक, आपके फेस पे कुछ वाइट वाइट आ रहा है। हाँ भाई, कुछ वाइट वाइट आ रहा है यार, मैंने देख कोशिश करी उसको हटाने की, हट नहीं रहा। गुड इवनिंग सोमेश। इसके अलावा गाइस, अगर ओसवाल बुक्स की क्लैट और एलिट की पिछले 10 साल की सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से ले लेना। मेरे बालों को कुछ नहीं हुआ भाई, वो बस दिक्कत है यार, इसमें कैमरे की दिक्कत है। गुड इवनिंग सोमेश, हेलो खुशी। चलो जी, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, आज हम 10th मार्च तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 10th मार्च तक हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। पीएम मोदी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? ये इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बताओ, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल या फिर कर्नाटक, बताओ भाई। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। तो मुझे मत देखो भाई, मेरी आवाज़ सुनो बस, मुझे देख के क्या करोगे? हेलो रौनक, तुम लोग बताओ, तब तक मैं इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये वाइट में, हरे में ही देख लो भाई तुम लोग, कोई बात नहीं। महक, मैं बढ़िया हूँ भाई, रौनक चल रहा है बस जीवन, तुम बताओ। महक कर्नाटक, संस्थिता तमिलनाडु। पेपर ठीक था भाई, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, गैड बोल रहा था मैं। रौनक, इट लुक्स ऑल फाइन, यस भाई। सोमेश, तो यस गाइस, जितने भी लोगों ने तमिलनाडु दिया है, दैट इज एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कल्पक्कम तमिलनाडु। ठीक है, एंड रशिया के बाद हम सेकंड कंट्री हैं सिर्फ पूरे दुनिया में, ठीक है, जिनके पास ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, कोर लोडिंग इसको कहा जाता है मतलब लैंग्वेज में, और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR इसको टेक्नोलॉजी का नाम है। ठीक है, अब बनाया किसने है? तो बनाया है इसको भाविनी ने, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ 200 कंपनीज और इन्वॉल्व थी, 200 इंडस्ट्रीज और इन्वॉल्व थी, बट मेनली भाविनी है, आएगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो भाविनी चुपचाप से टिक कर देना। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो दैट इज़ 500 MW की। ठीक है, और इंडिया इज सेट टू बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर रशिया, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, टू ऑपरेट अ कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, कैपेसिटी याद रख लेना 500 MW। ठीक है भाई, ये आ जाएगा क्वेश्चन।
ये सेशन कब ख़त्म होगा? सुबह 3 बजे उठना है। ये सेशन ख़त्म हो जाएगा 40 मिनट्स में। तुम जल्दी जल्दी आंसर दो तो उससे भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अरे इतनी सुबह सुबह उठ के रिवाइज मत किया करो यार, कम से कम 6-7 बजे कर लिया करो। कोई बात नहीं, चलो जी आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सीपेट के सेंटर्स को। अब सीपेट क्या होता है? आगे बात करेंगे सीपेट क्या होता है, किसी को पता है तो बताओ। 3 बजे रिवाइज, कोई बात नहीं यार, सीरियस लोग हैं यार। बताओ कितने सीपेट सेंटर्स को इनॉग्रेट किया गया है बाय आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। मतलब ये जो दो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, इन दोनों के एक ही यूनियन मिनिस्टर हैं, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं सीपेट सेंटर्स इंडिया में कितने? ठीक है, ये पूछा है। तो सीपेट सेंटर्स पे मेनली ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उनको स्किल्स प्रोवाइड करी जाती हैं, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है बेसिकली। और फिर वहाँ से जैसे तुम कॉलेज में जाओगे तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, वैसे यहाँ से भी प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट का अब तक। ठीक है, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेके अब तक 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है इनका। ठीक है जी, संस्थिता 4, निंजा 3, रौनक डी, लीजा 3। यस, 3 इज द करेक्ट आंसर गाइस। 3 सेंटर्स आए हैं जिसमें से एक मध्य प्रदेश में है, एक हिमाचल में है और एक झारखंड में। ठीक है, ये 3 स्टेट, 3 ही तो स्टेट्स हैं, याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, हिमाचल, झारखंड और एमपी। ठीक है भाई, और हाँ, तो सीपेट होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू दिल्ली, और इस न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। 3 सेंटर्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है, और जैसा मैंने पहले बताया 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है भाई पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, अगर आप यहाँ के ग्रेजुएट हो तो। ठीक है, और 47 सीपेट सेंटर्स हो चुके हैं अब ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, पिछले 10 मतलब 10 साल पहले सिर्फ 23 थे, अब 47 हो चुके हैं। तो ये दोनों नंबर्स याद रख लेना कि पहले कितने थे अब कितने हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ग्रोथ कितनी है बताओ, तो 23 to 47। ठीक है भाई, अरे वाह, चलो जी आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वेरी इजी वेरी सिंपल। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया बाय विच स्टेट गवर्नमेंट बताओ? बिहार, असम, यूपी या फिर उत्तराखंड? वीडियो लाइक कर देना गाइस, क्लास को लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले, बहुत अच्छा लगेगा हमको। रिवीजन हर वीकेंड होगा, ये रिवीजन मतलब हाँ कह सकते हैं इसको संस्थिता, बट मैं तो अपना कोर्स ख़त्म करा रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए भले ये रिवीजन हो अगर तुम पढ़ चुके हो इसको, बट हाँ हर वीकेंड एक क्लास होती है, उसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं पिछले पूरे हफ्ते के। वो थोड़ा सा लैग हो गया था, एक 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 किसी एक वीकेंड पे क्लास नहीं हुई थी, तो तब से लैग ही लैग चल रहा है। तो इसलिए महक, उत्तराखंड, संस्थिता, असम, रौनक ए, लीजा असम, सोमेश, रौनक, सोमेश, निंजा, तीनों लोग एकदम करेक्ट हैं गाइस। बिहार इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसका ऑफिस बनेगा। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, और 30 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये। ठीक है, और इसको बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने
इनॉग्रेट किया था, ठीक है। और ये गंगा नदी के किनारे ही बना हुआ है विद इन द पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। अब इनका मेन एम है रिसर्च करना और स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराना कि भाई बिहेवियर कैसा होता है इकोलॉजी का ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, ठीक है जी। तो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन क्यूट है ना भाई, हाँ मैंने मस्त फोटो निकाली भाई गूगल से, बढ़िया क्यूट सी फोटो मिल गई। चलो जी आगे बढ़ा जाए। पोल नंबर 4, आरबीआई का उद्गम पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो भाई किया क्या है कि आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया है अपना जिसका नाम है उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस पोर्टल पे जाके कोई भी बैंक्स अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, ठीक है, ताकि आरबीआई के पास ये पता हो कि भाई कितने डिपॉजिट्स अनक्लेम्ड हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई ए है, ठीक है, ए ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ 10 लाख रुपए रख रखे, ठीक है, एंड ए जो है वो अपनी फैमिली में इकलौता मेंबर था और ए की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो ये 10 लाख रुपए जो हैं इसको उद्गम में डालना पड़ेगा किसी भी बैंक को। मान लो उसका एसबीआई में अकाउंट था, तो एसबीआई बोलेगी कि भाई ये जो 10 लाख रुपए हैं ये अनक्लेम डिपॉजिट है, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा ना इसको, अगर ए की डेथ हो गई और कोई क्लेम ही नहीं कर रहा तो अनक्लेम डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो वो एसबीआई जो है वो उद्गम पोर्टल में इसको डाल देगा कि भाई 10 लाख रुपए हैं ये अनक्लेम्ड है, आरबीआई आप देख लो इसका क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने बैंक्स ने आरबीआई का उद्गम पोर्टल ज्वाइन कर लिया है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मतलब लेटेस्ट मार्च की ही ये न्यूज़ है। तो 35, 40, 30, 45, बताओ 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 बताओ। अच्छे समझ गए ना, बढ़िया एकदम समझ ही गए होगे, मैंने समझाया। नहीं भाई अगर नहीं समझे तो बता दो भाई, फिर से समझा दूंगा। अरे बताओ आंसर भाई, देखो तुम लोग ही लेट कर रहे हो भाई, संस्कृता को 3 बजे उठना है भाई, तुम लोग लेट कर रहे हो, बेचारी सो नहीं पाएगी वो। हाँ भैया सी है इसका, 30, रौनक गाना गा दूँ, अरे यार तुम लोग भी ना, मैक लीजा संस्थिता, यस सबका एकदम करेक्ट आंसर है, 30 इज द करेक्ट आंसर। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 30 बैंक्स आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द उद्गम पोर्टल, ठीक है। तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाते हो यार, गूगल नहीं हो रहा क्या जल्दी जल्दी। डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल्स टू सर्च फॉर देयर अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स इन वैल्यू टर्म्स, ठीक है। तो मान लो जैसे अगर 1 लाख रुपए है वैल्यू पूरे बैंक्स के पूरे अनक्लेम डिपॉजिट्स की, तो 90K अब तक इस पोर्टल पे आ चुके हैं, इस 90% का ये मतलब है, ठीक है ना, सिंपल मैथ्स है गाइस। तो ये था ऑल अबाउट आरबीआई का उद्गम पोर्टल। गुलाबी आंखें, मेरी गुलाबी नहीं है भाई, मेरी भूरी है, भूरी मेरी ब्राउन है। चलो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप्स, ऑन विच रिवर आर द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप्स। अरे ये क्या स्पेलिंग लिख दी भाई, सॉरी गाइस स्पेलिंग गलत हो गई। टेकिंग प्लेस आफ्टर बीइंग इनॉग्रेटेड बाय सुखविंदर सिंह सुक्कू, एंड हु इज सुखविंदर सिंह सुक्कू, ही इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बताओ, पहले ही बता दिया था भाई, मेरे को आए ही नहीं तुम्हारे आंसर्स यार। लीजा तुम क्या करोगी भाई 6 बजे उठ के, जितने बजे उठने की बात कर रहे हैं उतने बजे तो मुझे नींद आती है, बताओ क्या बात हो गई भाई।
गूगल करके आंसर करना होता है। अरे नहीं भाई, नहीं करना होता है, पर तुम लोग इतना लेट बताते हो तो मुझे यही लगेगा कि तुम गूगल कर रहे हो। चलो जी, रौनक, संस्थिता, सोमेश, और बताओ और बताओ। महक, अरे महक आंसर बताओ, कौन सी वेबसाइट से सीए करें? देखो भाई, क्लाइंट के हिसाब से तुम अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हो, ठीक है, जीके टुडे से कर सकते हो, और जागरण जोश से कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से किसी से भी कर लो, पर मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ। यस भाई, बी सटायर, सटायर बोल रहा हूँ, ये महक का कमेंट पढ़ के, सतलज, सतलज नदी है भाई, जिसपे एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप्स को होस्ट किया गया था शिमला में, ठीक है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि भाई एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप्स करके कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू, चीफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, और चैंपियनशिप जो है दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन द सतलज रिवर, ठीक है, और 20 नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, अलग अलग देशों से, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ठीक है, ये दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ, कौन सी नदी पे हो रहा है, किन्होंने इनॉग्रेट किया, क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जीके टुडे, जागरण, जोश बेस्ट है भाई, मैं अपने टाइम पे अफेयर्स क्लाउड से बनाता था। हाँ चलो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है हमारा, अच्छी बात है। आयरिस, द फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर, कौन सी स्टेट के स्कूल ने लॉन्च किया है आयरिस को? ये एक ह्यूमनॉइड टीचर है, ठीक है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मतलब ये रोबोट है भाई जो एआई से चलती है, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना, आयरिस। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, जल्दी बता दो। अरे यार स्मृति बंधाना आउट हो गई, बताओ भाई। बताओ 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 बताओ, सी सी बोल रहे हैं सब, महक, रौनक, सोमेश, संस्थिता, लीजा, यस एकदम करेक्ट, केरला इज द करेक्ट आंसर, केरला के एक स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है आयरिस को, ठीक है, बनाया किसने है तो आ जाएगा एग्जाम में पक्का, मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, स्कूल का नाम भी याद रख लो, स्कूल कहाँ पे है सबसे पहली बात, तो तिरुवनंतपुरम में है स्कूल, KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, और KTCT का फुल फॉर्म ये है, दैट इज़ अ ट्रस्ट, ठीक है, और वो पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है केरला में, जो कि एक AI पावर्ड टीचर लेके आया भाई, ठीक है। RCB भाई, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, 16 साल से मैं तो यही कर रहा हूँ मैं। चलो, लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, विच माइन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन एशिया में? जयंत माइन, गेवरा माइन, हुट्टी माइन, या फिर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज माइनिंग लिमिटेड की एक माइन है वो, जल्दी बताओ। शी हैव गोल्डन हेयर, अब भाई बना दिया उन्होंने रोबोट यार। रौनक, गेबरा माइन, महक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज,
अरे गोल्डन हेयर वो रोबोट की बात कर रहा है लीजा, आयरिस की बात कर रहा है वो। सोमेश, संस्थिता ने कभी नहीं सुना इस न्यूज़ के बारे में, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। निंजा लीजा, यस गाइस, तो गेवरा माइन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये एक माइन है, ठीक है ना। और साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECL गेवरा माइन लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो चुकी है 70 मिलियन टन पर एनम। ठीक है, पहले इनकी थी 52.5, अब वहाँ से जंप करके पहुँच चुकी है 70 मिलियन टन पर एनम, और इतनी बड़ी कैपेसिटी के साथ ये हो जाएगी अब लार्जेस्ट कोल माइन एशिया में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें कि भाई उनको अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो उनको ऑब्वियसली क्लियरेंस लगेंगे फॉरेस्ट के, ठीक है, एनवायरनमेंट के, तो वो उनको जल्दी से प्रोवाइड किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। ठीक है, तो ये था लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। गेवरा माइन साउंड्स लाइक गेवर, हाँ भाई गेवर मेरी तो फेवरेट मिठाई भाई। चलो, टॉकिंग अबाउट सम स्पोर्ट्स न्यूज़, फर्स्ट एवर यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग कौन सी कंट्री ने जीती है भाई? विच कंट्री वन द फर्स्ट एवर यूएफा वुमेन्स नेशन लीग? पोल नंबर 8, जल्दी से बता दो, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। फर्स्ट यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग, सोमेश, स्पेन, रौनक, फ्रांस। अरे तुम्हें भी घेवर पसंद है, क्या बात है भाई, बहुत बहुत महंगा आता है यार पर। लीजा, फ्रांस, महक, स्पेन। भाई ये तुम फ्रांस और स्पेन में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? जो भी लोग फ्रांस कह रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ही गलत हो, क्योंकि फ्रांस फाइनल हार गया था, ठीक है, और स्पेन जीता है। ठीक है, स्पेन इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रांस हार गया था फाइनल 2-0 से। ठीक है, स्पेन की वुमेन्स टीम सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक विन ओवर फ्रांस, फर्स्ट एवर यूएफा वुमेन्स नेशन लीग। पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा था और पहली बार इसको स्पेन जीत गई। ठीक है, 2-0 ट्रम्प ट्रायम्फ सेविल में। ठीक है, और हाँ अइताना बोनमाती जो हैं इनका एक्सेप्शनल डिस्प्ले था पूरे टूर्नामेंट में, तो इनको अवार्ड मिला है MVP का, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द फाइनल्स टूर्नामेंट। ठीक है, इनकी पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइप जो अवार्ड मिलता है क्रिकेट में, वैसा अवार्ड मिला है अइताना बोनमाती को। ठीक है, ये भी स्पेन की ही है। चलो जी, कंफ्यूज मत होना भाई, फ्रांस और स्पेन में, फ्रांस हारी है। ठीक है, फ्रांस लॉस्ट, ऐसे याद रख लो, वर्ल्ड कप में भी फ्रांस हारी थी। ठीक है, अर्जेंटीना जीती थी। चलो, अनदर स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द वीक, फॉर्मर वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज विनर अनाउंसेज रिटायरमेंट। फोटो मत देखना, फोटो में नहीं है कोई भी वो प्लेयर जो आंसर है जो आंसर है। कौन से बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज और हर रिटायरमेंट? एस प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, या फिर आरुषि कश्यप, बताओ भाई। बताइए जी, बताइए विच बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रौनक, सोमेश, लीजा, यस गाइस, आप लोग एकदम करेक्ट हैं। एस साई प्रणीत इज द करेक्ट आंसर। साई प्रणीत ये इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं,
इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो इन्होंने क्या क्या जीता है एक बार उसको देख लो, ऑल्दो इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए एशियन टीम चैम्पियनशिप्स में 2020 में भी और 2016 में भी, ठीक है। और इंडिया की जो गोल्ड मेडल विक्ट्री थी साउथ एशियन गेम्स में 2016 में, उसमें भी इनका एक काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। और जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स भी इन्होंने काफ़ी जीती हैं, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट हाँ ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, पोल नंबर 10। गवर्नमेंट ने रेज कर दी है मिनिमम एज फॉर पोस्टल वोटिंग, ठीक है, जो बैलेट वोटिंग होती है उसके लिए मिनिमम एज अब कितनी हो गई है बताओ, बताओ भाई। 87, 84, 85 या फिर 88? बताओ जी बताओ। सोमेश निंजा, सोमेश निंजा, महक, लीजा, यस 85 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि भाई आप अमेंडमेंट लाके मैक्सिमम एज, मिनिमम एज बढ़ा दो, ठीक है। तो उन्होंने रिवाइज कर दिया मिनिमम एज फॉर सीनियर सिटीजन्स टू अवेल द पोस्टल बैलेट वोटिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब SC से 85 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है, पहले 80 थी, याद रखना भाई, भूल मत जाना, पहले 80 थी। अब कौन से रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 सीनियर सिटीजन्स की डेफिनेशन चेंज करती है, ठीक है, सेक्शन 27A सब क्लॉज ई में, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन में वो लोग आते हैं जो 85 के हैं, ना कि वो लोग आते हैं जो 80 से अबव है, ठीक है ना। यस भाई सोमेश, घर पे ही हूँ। चलो, मीथेन सैट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है सैटेलाइट जिसका नाम है मीथेन सैट इनटू द ऑर्बिट टू स्टडी मीथेन फॉर्मेशन। स्पेसएक्स, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जाक्सा, बताओ भाई। मीथेन सैट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, मीथेन सैट, संस्थिता, निंजा, स्पेसएक्स, लूना सो जाती है भाई, मैंने बोला तो वो जल्दी सो जाती है, पता नहीं कैसी सी तो है वो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है भाई वो। तो यस गाइस, आप लोग एकदम करेक्ट हैं, स्पेसएक्स इज द करेक्ट आंसर। तो मीथेन सैट को लॉन्च किया गया है बाय द एनवायरनमेंट डिफेंस फंड, ठीक है, और ये स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट है, और ये रेवोल्यूशनलाइज कर देगी हाउ पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्रीज टैकल ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन। अब ये अर्थ का चक्कर लगाएगी 15 टाइम्स डेली, ठीक है, और 300 टारगेट्स को ये ओवरसी करेगी, एंड इट इज़ प्लेस्ड 360 माइल्स अबव अर्थ, एक माइल में ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, मतलब नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो जी आगे चलते हैं, पोल नंबर 12। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ ड्रॉप्ड टू हाउ मच इन 2023, विच इज़ द लोएस्ट फिगर इन पास्ट 3 ईयर्स, 3.4%, 3.3%, 3.2% या फिर 3.1%, बताओ भाई। स्पेसएक्स बहुत सैटेलाइट छोड़ दिया भाई, सही बात है। अभी इन्होंने एक वो स्टार स्टार लाइट, क्या नाम है उसका, स्टारशिप, वो भी लॉन्च किया था भाई, वो भी सक्सेसफुल हुआ है थोड़ा बहुत,
ठीक है भाई, एक दिन क्लास जल्दी रख लेंगे। रौनक, सोमेश, लीजा, संस्थिता, निंजा, 3.1, 3.1 बोल रहे हो तुम लोग? पक्का 3.1 है? यस, 3.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3.1% है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोएस्ट फिगर पिछले 3 सालों में। ठीक है, और ये काफ़ी फैक्टर्स की वजह से हुआ है, रिकवरी हुई है कोविड-19 के बाद। ठीक है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फीमेल्स में है वो 3% हो चुका है, और मेल्स में हो चुका है 3.2%। ठीक है, मेरे को ये 3.2 लग रहा था, तो नहीं, 3.1 है। ठीक है ना? अरे अरे वाह, चौका मार दिया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, तुम लोग मत देखो, तुम लोग पढ़ाई करो। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है 2.5% और रूरल रेट हो चुका है 2.4%। ठीक है जी। जी सर 20। हाँ भाई, स्टारशिप का थर्ड फेज था, क्या बात है यार। चलो, 13th टॉपिक ऑफ द डे। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस? बताओ भाई। पोल नंबर 13, सी स्पेस। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरला या फिर तमिलनाडु? सी स्पेस कौन लॉन्च करेगा? कर चुका है वैसे तो, लॉन्च हो चुका है ये। तुम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, मैं मत देखो। सोमेश, रौनक, लीजा, महक, अरे वाह, मुझे लगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई। ये सी स्पेस सुन के मैंने जानबूझ के छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ डाला था, बट नहीं, तुम कंफ्यूज नहीं हुए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, केरला इज द करेक्ट आंसर। OTT प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, अगर नहीं पता हो तो लिख लेना। ठीक है, और सी स्पेस विल बिकम इंडियाज मेड इन गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म। किसने बनाया है? तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केरला गवर्नमेंट ने बनाया है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ठीक है, केरला सरकार ने बनाया है। ठीक है, यस। चलो आगे चलते हैं। पोल नंबर 14, AI सेंटर एक पर्टिकुलर स्टेट और द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टाइप किया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड अप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू इस्टेब्लिश एन AI सेंटर? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर असम? बताओ है। बताओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, असम? सी है क्या? ए कर्नाटक। यस गाइस, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है, कटिंग एज AI सेंटर बनाएंगे वो। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था, ये इतना काम का नहीं है। ठीक है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, चलो।
अब कुछ क्वेश्चंस इन शॉर्ट हैं भाई लोग, मतलब क्वेश्चंस इन शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब पूरे के पूरे एक स्लाइड उनको देना मतलब दैट वाज नॉट ऐसा फीजिबल सा, तो मैंने सिंपल सिंपल वन लाइनर्स में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ठीक है। फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ हुआ? गुवाहाटी असम में, ठीक है। और कौन सी कंपनी विल प्रोड्यूस F1 फ्यूल इन इंडिया? तो इंडियन ऑयल, उसका एक पेट्रोल ऑलरेडी आता है जिसका नाम है स्टॉर्म पेट्रोल, ठीक है। और इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बैंगलोर में चलेगी, येलो लाइन, बैंगलोर की भी येलो लाइन, ठीक है। भाई मैम भी अभी थोड़ा सा नहीं आ पाई। पनामा ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज द 97th मेंबर, ठीक है। और बिछोम विल बी अरुणाचल प्रदेश का 27th डिस्ट्रिक्ट। सी डिफेंडर्स 2024 US इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, टू बोल्स्टर इंडिया पैसिफिक मैरिटाइम कॉपरेशन, इंडिया और US के बीच की एक्सरसाइज होती है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम इसको कहते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी लेके आया है साथ में। मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा तुमको ये क्या स्कीम होती है, हमारी वो वैसे भी चल रहा है वो शॉर्ट वीडियो, क्या कहते हैं उसको, वन वन गवर्नमेंट स्कीम पर वीक, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। तो ये सेप्टिक टैंक क्लीनर्स जो होते हैं उन लोगों के लिए, जो सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों के लिए, एलिमिनेट करना मैनुअल स्कैवेंजमेंट, मैनुअल एंगेजमेंट, ठीक है, ये उन लोगों के लिए स्कीम है, ठीक है ना भाई। और इंडिया ने रिसीव करा है मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा। और मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी ने इनॉग्रेट किया है 5th ONGC पैरा गेम्स, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है भाई, बट बस इसको स्लाइड में नहीं लिख पाए, ठीक है, इसलिए ये ऐसे लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, इम्पॉर्टेंट तो है ये सब, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिप्लेस किया है दीपा मलिक को, ठीक है। दैट इज ऑल गाइज, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेल कर देना, वरना यहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। ठीक है भाई, बाय बाय।